हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप तो कैसे हैं? आज मैं स्ट्रिंग ऑफ हार्ट की आपको केयर करना बताऊंगी या कटिंग लगाना बताऊंगी, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले छोटा सा अपने गार्डन का एक नज़ारा दिखा दूँ, उसके बाद चलते हैं, आपको बताएँगे कि स्ट्रिंग ऑफ हार्ट की कटिंग कैसे लगती है और उसको ग्रो कैसे करते हैं, उसकी केयर कैसे करते हैं। गर्मियों में ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा स्ट्रिंग ऑफ हार्ट का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये प्लांट है। अपने पत्तियों से ही जाना जाता है, पत्तियों के कारण ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, लेकिन ये फ्रेंड ये काफ़ी महंगा मिलता है। ये इसकी कुछ रख रखाव का ध्यान रखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और चलता है। ये कम से कम 3-3 फीट 4-4 फीट तक इसकी जो लेयर है वो लटकती रहती हैं। अब मैं लटका नहीं सकती फ्रेंड एक हाथ से, लेकिन आप फिर भी देखिए ये कितना खूबसूरत प्लांट है। इसको आसानी से कटिंग के द्वारा भी लगाया जा सकता है। चलिए तो सबसे पहले इसकी केयर की बात कर लें, फिर उसकी कटिंग और सब इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम केयर की बात कर लें फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसको गर्मियों में कम से कम 1 घंटे की जो छनी वाली धूप आती है, मॉर्निंग वाली जो ठंडी धूप रहती है, अधिक गर्म वाली नहीं, ये उसके लिए काफ़ी है। या तो किसी पेड़ के छांव के नीचे रख दीजिए, बस रोशनी भर आती हो या हल्की फुल्की छन के आती हो तो आप पेड़ पर भी लटका देंगे तो ये आसानी से चल जाएगी। लेकिन इसको चिलचिलाती धूप में रखने पर जो ये पतली पतली ये जो डंडियां हैं ये ख़राब हो जाती हैं जब अधिक धूप पड़ता है और पत्तियाँ पीली होकर गिर जाती हैं। तो इसे धूप का ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है और पानी का, तो ये आपके गार्डन में अधिक दिन बने रहता है। अगर इसे इसमें धूप का भी से अगर धूप का विशेष ध्यान रखा जाए तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। और पानी का भी विशेष ध्यान रखा जाए तो इसको ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है, बस वही धूप और पानी जब समय अनुसार सही आवश्यकता अनुसार इसको मिले तो ये अधिक दिन तक रहता है और इसको कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। तो चलिए कटिंग की बात कर लें, कटिंग कहाँ से लगेगा फ्रेंड। ये है इसकी जितनी ये गांठें दिख रही हैं, सारी गांठों पर छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं। मेरे कैमरे में शायद नहीं आपको दिख रहा होगा। इसको एक एक एरिया काट काट के लगा देंगे, या नहीं तो अभी मैं लगा के भी दिखाऊंगी, या नहीं तो ऐसे उसको बिछा के लगा के दिखा देंगे। अभी मैं आपको कटिंग भी लगाना दिखाऊँगी, क्योंकि कटिंग वगैरह काटते रहना चाहिए और लगाते रहना चाहिए किसी भी प्लांट की। कि बाय द वे कभी घटनाएं घट जाती हैं कि कभी अगर सही देख रेख नहीं हुआ तो प्लांट ख़राब होने का डर रहता है। ख़राब हो भी जाता है कभी कभी, हाथ ही है, संजोग ही है, तो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो किसी भी प्लांट की कटिंग तो एक्स्ट्रा में आपको लगा के रखनी चाहिए। तो मैं इसको इसकी कटिंग काट के लगा के रखूँगी और दिखाऊँगी भी कैसे लगाते हैं फ्रेंड। इसकी मिट्टी की बात कर ले तो फ्रेंड, इसको मिट्टी में आप ना ही लगाइए तो बेहतर है, क्योंकि मैं तो ये तो मिट्टी में लगा हुआ है फ्रेंड, क्योंकि मैं इसी बास्केट सहित इसको ख़रीद के ले आई थी, इसी में पड़ा रह गया। गर्मियाँ अधिक है इसीलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों के कारण ये ख़राब हो जाएगा। इतनी पतली पतली ये नसें जैसी जो ये टहनियाँ हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो गर्मियों में किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब बारिश स्टार्ट होगी तो उसी समय इसकी रिपोर्टिंग मैं करूंगी और उसे उस तब आपसे शेयर भी करूंगी। तो पॉटिंग मिक्स बता दें कि क्या क्या पॉटिंग मिक्स मिलेंगे। आप एक हिस्सा बालू ले लीजिए और उसमें जैसे 50% आपने बालू ले लिया है, 10% आप भूसी ले लीजिए धान की, और 10% गोबर की खाद ले लीजिए, और 10% ये आती है बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। इन सब को मिलाकर और अच्छी एक वेल्ड्रन मिट्टी तैयार हो सकती है। अगर आपके पास भूसी नहीं है, अगर आपके पास बालू नहीं है, तो उसकी जगह आप कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। कोकोपीट को भिगोइए और उसको भिगोने के बाद उसकी पानी निचोड़ के तब उसके बाद कोकोपीट में हल्का सा रेत मिला दीजिए या हल्की सी मिट्टी, नाम मात्र मिट्टी, जैसे बस चिपकी रहे, बस उतना ही, अधिक नहीं, क्योंकि अधिक होने पर ये बहुत नाजुक जो ये टहनियाँ दिख रही हैं ये गल जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो ये आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। और ये देखिए फ्रेंड, पानी की अधिकता होने पर और क्या नुकसान होता है, जो ये देख रहे हैं आप, इसमें ये बल्ब बने हुए हैं,
ये सुंदर सुंदर मेरे ये बल्ब निकले हुए हैं, तो जब इसमें पानी रेगुलर टिका रहेगा तो ये बल्ब ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए हम किसी को ये राय नहीं देते हैं कि आप सकुलेंट, ये सकुलेंट की मतलब वैरायटी होती है फ्रेंड, तो किसी भी सकुलेंट में मैं मिट्टी डालने की राय नहीं देती हूँ। कभी हाथ ही है, कभी मान लीजिए आप ना रहें, कोई थर्ड पर्सन पानी डाल दे, घर का कोई और सदस्य डाल दे, उनको ना पता हो आपके प्लांट के बारे में, तो आप पहले ही ये सावधानी बरत लीजिएगा, तो प्लांट आपके ख़राब होने के कोई चांस ही नहीं है। गार्डन में कोई ना कोई पानी तो डालेगा ही डालेगा, एकमात्र तो आप डालेंगे नहीं, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप ऐसी मिट्टी वाली ड्रेन तैयार करिए कि पानी डालिए और नीचे से छन के निकल जाए, न कि पानी उसी में टिका रहे, बस नमी मात्र होनी चाहिए। तो आप जब भी पानी डालिएगा तो मिट्टी को चेक करके ही डालिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी इसकी जो ये गाँठे हैं ये जो है बल्ब वो ख़राब हो जाते हैं, और जो भी ये पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं। और किसी भी सकुलेंट में इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी में मत लगाइएगा। मैं मिट्टी का यूज नहीं करती हूँ सकुलेंट में, अगर कभी नहीं रहा, अगर मुझे मजबूरी में भी मिट्टी डालना पड़ा तो मैं ओवरलोड उसमें भूसी डाल दूँगी या गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट तब लगा सकती हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक होता है मैं इंतज़ार करती हूँ कि मुझे मिल जाए ये सब सामग्री तभी लगाऊँ। देखिए मेरे पास नहीं था तो मैं इसको नहीं रिपोर्ट कर पाई, और तब तक गर्मियाँ भी आ गई हैं, हमारे यहाँ यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो इस वजह से और रिपोर्ट करने की इच्छा नहीं हो रही है। जब बारिश थोड़ा होने लगेगा, ठंडा मौसम हो जाएगा, तब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो आप लोग भी यही करिएगा, तो जब भी इसमें पानी डालिएगा तो आप पानी इसकी मिट्टी को चेक करके ही डालिएगा, अगर चेक करके डालेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और जिस भी आप प्लांटर में लगाएं उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो प्लास्टिक का हो, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहने से ये एक फ़ायदा होता है कि नीचे से भी जो प्लांटर होता है वो ऑक्सीजन लेता है, नीचे से भी उसको हवा थोड़ी बहुत लगती है मिट्टी को, और मिट्टी जैसे उमस नहीं होता है मिट्टी में, ये सब फायदे होते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है वो सारे छन कर निकल जाते हैं, तो बालू में लगाएंगे तो ये सब थोड़ा सा समस्याएँ कम होती, एयर ऑटोमेटिक बालू ले लेता है और मिट्टी उसमें नमी भर रहती है, लेकिन मिट्टी में ये सब नहीं रहता है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ फ्रेंड, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर समय समय पर फंगिसाइड का स्प्रे भी करते रहिएगा, और इसमें कोई भी जैसे कि फर्टिलाइज़र वाला मत डालिएगा जो दाने उसमें हो, फर्टिलाइज़र डालना ही है कोई तो लिक्विड फॉर्म में डालिएगा, लिक्विड बना के डालिएगा, क्योंकि जो इसकी टहनियाँ हैं अगर इस पर फर्टिलाइज़र कोई गिर गया, मान लीजिए मैं DAP के दाने डाल दी तो ये जो ये टहनियाँ हैं ये गल जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको DAP के दाने डालने ही हैं, कुछ दाने डालिएगा, 2-4 दाने, तो उसको लिक्विड बना के डालिएगा, कोई भी फर्टिलाइज़र डालिएगा लिक्विड फॉर्म में डालिएगा, उसमें नहीं सॉलिड फॉर्म में मत डालिएगा, नहीं तो ये ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो चलिए इसकी हम कटिंग लगाने भी बता देते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने ये रेत लिया है, रेत में मैंने बर्मी कंपोस्ट और गाय की गोबर मिला के रखा हुआ था, क्योंकि मैं कल एक प्लांटर की रिपोर्टिंग की थी, तो मिट्टी थोड़ा पॉटिंग मिक्स मैं थोड़ा सा अधिक बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार बनाने में मेरे को बहुत दिक्कत होती है, रोज़ कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग करना रहता है, कभी कटिंग लगाना रहता है, और बालू में हम कटिंग लगाएंगे तो जल्दी सफल होता है। तो चलिए इसकी कटिंग हम लेते हैं और बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये इतने बड़े 2 कटिंग लिए हैं, और आप भी कटिंग अधिक से अधिक लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्लांट काफ़ी महंगा मिलता है, अगर आपको कहीं कटिंग मिल जाती है तो उसको भी लगे। देखिए ये जो ये ब्रांचें दिख रही हैं, और यहाँ से न्यू ये ब्रांच निकलती है, ये पौधा उतना ही घना होता रहता है। ये देखिए, अगर इसकी इतनी भी छोटी कहीं कटिंग मिल जाती है तो उसको आप लगाइए, और आपके गार्डन में ये ज़रूर ऐड हो जाएगा आपके गमले में, तो इसको ज़रूर आप ऐड करिए फ्रेंड। तो सिंपल सा फंडा है, कुछ करना नहीं है। ये देखिए, इसको ऐसे रखेंगे फ्रेंड, इसको मैं हल्का सा बस एक साइड में दबा देंगे और कुछ नहीं, इसको बस स्प्रे के द्वारा पानी डालेंगे, स्प्रे बॉटल के द्वारा, इसमें पूरा उलेट के पानी नहीं डालेंगे, और इसको कम से कम 1 महीना लगेगा अच्छी इसमें रूटिंग आने में,
और चलिए तो इसको ऐसे ही करके एक एक ऐसे बस ऐसे करके रख दीजिएगा तो बस ये मिट्टी के संपर्क में जाएगा तो इसकी जड़ें अच्छे से निकल जाएंगी। हाँ, इसमें पानी उलट के मत डालिएगा, उलट का मतलब होता है ओवरलोड मत डालिएगा, किसी चीज़ की भी ओवरलोड और अधिकता बहुत बुरी होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपकी कटिंग चल जाएगी। इसको अच्छे से इसको रख दीजिएगा ताकि जितनी भी इसकी नोट एरिया है सब मिट्टी को टच कर दे, इसको अच्छे अच्छे से दबा देंगे हल्का सा ऊपर से। और हम पॉटिंग मिक्स डाल देंगे, ये मेरा पॉटिंग मिक्स फ्रेंड गर्म हो गया है, धूप में रखा हुआ था, अभी मैं जब स्प्रे बॉटल से स्प्रे करूँगी तो ये सारे पॉटिंग मिक्स इसी में हो जाएंगे। किसी क्लिप वगैरह की सहायता से भी इसको ऐसे चिपका देंगे तो ये आराम से, ऐसे भी ये रहेगा तो जड़े आ जाएंगी, एक भी रूट अगर चिपका रहा, इसकी भी एक भी नोट एरिया चिपकी रही तो बहुत अच्छे से ये जड़े निकल जाएंगी। और इसमें हम स्प्रे करके पानी डाल देंगे और एक महीने का इंतज़ार करेंगे, एक महीने में बहुत अच्छे से ये प्लांट आ जाएंगे। अगर आपको कहीं मिल जाती है इसकी कटिंग तो आप ज़रूर लगाइए फ्रेंड, ये काफ़ी महंगा प्लांट होता है, काफ़ी महंगा आता है, ये सबके पास बस की नहीं होती है और इसको अपने गार्डन में लगाना, तो अगर कटिंग मिल जाती है छोटी सी छोटी भी मिल जाएगी तो उसको ज़रूर आप लगाइए और अपने शौक़ को पूरा करिए। और इसको एक घंटे की सनलाइट दिखाइए, क्या बताएं कितना मज़ा आ जाएगा फ्रेंड लोग, तो इसको ज़रूर आप लगाइए। मैं ऐसे करके सब इसी पर सारी बेलें रखते रही हूँ ताकि जड़ें और अच्छे से आ जाएंगे, उसके बाद मैं इसको और लटकाऊँगी। किसी भी प्लांट को फ्रेंड अगर पानी और मिट्टी का विशेष जब ध्यान रख दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो अच्छे से आपके गार्डन में बना रहता है, ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती। मैं बस ऐसे ही इसको रख दूँगी और इसमें से जड़ें निकल जाएंगी। इसको पानी में भी आप इसकी कटिंग को लगाइए, एक हफ्ते में जड़ें निकल जाएंगी। जैसे मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट को कटिंग काट के पानी में आप रख दीजिए ग्लास वगैरह में तो देखिए जड़ें निकल जाती हैं, वैसे इसकी भी हैं। बस वही पानी का ठहराव उसके लिए बहुत बुरा होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, थैंक यू।